हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको मिट्टी के फ़ायदों के बारे में बताएंगे। मिट्टी का प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। दोस्तों, मिट्टी के उपयोगों के बारे में सबसे पहले तो बड़ा तथा कठोर फोड़ा जो किसी प्रकार की दवा से ना फूट रहा हो, गीली मिट्टी का लेप लगाने से बहुत जल्दी पककर फूट जाता है। नदी या तालाब की सफ़ेद मिट्टी को पानी में घोलकर सूजन पर लगाने से फौरन राहत मिलती है। इसके अलावा गर्मियों में शरीर पर पित्ती निकल जाने पर मुल्तानी मिट्टी को बारीक कूटकर दही में मिलाकर लगाने से लाभ होता है। मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोलकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे और कील मुहासे भी साफ़ हो जाते हैं। अगर आपके घर में या कहीं आसपास बच्चे ने कांच निगल लिया हो तो गोपी चंदन मिट्टी का चूर्ण दही के साथ पिलाने पर कांच का टुकड़ा शरीर को बिना क्षति पहुँचाए मल द्वारा बाहर निकल आता है। गोपी चंदन मिट्टी घिसकर लगाने से मुंह पर पड़े छालों में भी काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपको ज़्यादा सिर दर्द रहता है तो गोपी चंदन मिट्टी का लेप लगाइए, इससे आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा। बहते फोड़े पर गीली मिट्टी की टिक्कियाँ बनाकर लगाने से फोड़े का बहना और जलन भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको मिट्टी या तालाब वाली मिट्टी और गोपी चंदन मिट्टी के कुछ फ़ायदों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।